आरपीपी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए कायराना हमले के बाद अब देश भर के नेताओं की तरफ से भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। आज चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से सहारनपुर अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान देवबंद के पास एक गाड़ी उनके आस पास आकर रुकती है और उनके ऊपर 4 राउंड फायर करती है, जिसमें एक गोली चंद्रशेखर आजाद के पेट को छूकर निकल जाती है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश भर के नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी ज्यादा आक्रोश है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़े नेताओं में अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा है, सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा आज जानलेवा हमला और घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण है और बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, यूपी में जंगल राज। ये अखिलेश यादव की आपको बता दें कि यहां पर प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने सख्त प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर जनता ही क्या सुरक्षित होगी जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर जो ये हमला हुआ है कायराना हमला है और आपराधिक हमला है, ये सत्ता के संरक्षित जो गुंडे हैं उनके द्वारा हमला किया गया। इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया।